हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 24वां दिन और आज के दिन मैं आपको कमाल कमाल की 20 शॉर्ट फॉर्म्स और उसकी फुल फॉर्म सिखाने वाला हूं। अरे भागो मत, मतलब कोई ऐसी वैसी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि सारी शॉर्ट फॉर्म वो होंगी जो न्यूज़पेपर्स में इस्तेमाल होती है। इन्हें देखकर आपको कतई मजा सा आ जाएगा और बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। अब ऐसी कमाल कमाल की 20 शॉर्ट फॉर्म सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 24वें दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होने वाली 20 कमाल की इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म्स और उनकी हिंदी। हमारा सबसे पहला वर्ड है GGM। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर में यह शब्द आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। अब इस GGM का मतलब क्या होता है? तो ये एक जगह का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है गुरुग्राम। दिल्ली के पास मौजूद एक जगह है जिसका नाम पुराना गुड़गांव था, लेकिन अब उसे गुरुग्राम कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर में अक्सर इसे शॉर्ट में लिखा जाता है GGM। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है एक आदमी को गुरुग्राम में गोली मारी गई, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे A man was shooted at GGM। तो ये GGM जो है वो है गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव। आगे से ध्यान रखना, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम कंफ्यूज्ड मत होना। नेक्स्ट वाला देखो। अब भाई साहब, हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है यू। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको कहीं पर यू ब्रैकेट के अंदर या बाहर लिखा हुआ दिखाई दे जाए, तो समझ लेना उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड। अब इस यूनाइटेड की हिंदी होती है संयुक्त, यानी कि मिला जुला। जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, यह एक संयुक्त पार्टी है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज अ यू पार्टी। तो यहां पे ये जो यू है यह है यूनाइटेड। तो भाई ध्यान रखना, ये यू अक्सर कंफ्यूज्ड करता है। नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब, हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है M। अब इस तरह का M अगर आपको न्यूज़पेपर में लगा हुआ दिखाई दे, तो समझ लेना उसकी फुल फॉर्म है मार्क्सिस्ट। अब ये मार्क्सिस्ट मतलब होता है मार्क्सवादी। अब जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है वह एक मार्क्सवादी पार्टी का नेता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे He is a leader of an M party। अब M पार्टी का मतलब क्या है? मार्क्सिस्ट पार्टी। तो भाई ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट वाला देखो। अब भाई साहब, नेक्स्ट वाला है TRN। अब इस TRN को भी आप अक्सर न्यूज़पेपर में जरूर देखेंगे और इस TRN को देखकर आपको लगेगा कि ये क्या है। तो TRN की फुल फॉर्म होती है ट्रिलियन, और ट्रिलियन को हिंदी में कहते हैं खरब। अब जैसे अरब होता है, करोड़ होता है, वैसे उससे ज्यादा होता है खरब। जैसे मुझे कहना है इस देश में 100 खरब रुपयों की अर्थव्यवस्था है, तो इंग्लिश में कहेंगे दिस कंट्री हैज रुपीज 100 TRN इकोनॉमी। अब यहां पे आप देखेंगे TRN लिखा हुआ है, तो यहां पर TRN का मतलब है ट्रिलियन, यानी 100 ट्रिलियन इकोनॉमी। चलो ठीक है, TRN का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखो। और नेक्स्ट वाला है के। अब ये के तो अक्सर परेशान करता है हमें इंटरनेट वगैरह पर और न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है। ये के है क्या? असल में के की फुल फॉर्म होती है किलो, लेकिन ये वो तोल नाप वाला किलो नहीं है। किलो का हिंदी में मतलब होता है हजार, एक किलो 1000 ग्राम, ऐसे वहां पर भी इसका मतलब हजार ही होता है। तो जहां पर भी हजार यूज करना हो वहां पर के लगाते हैं शॉर्ट में, न्यूज़पेपर्स में और कहीं भी। जैसे हमारा सेंटेंस है मुझे इस वीडियो पर 1000 लाइक मिले, तो इंग्लिश होगी आई गॉट 1K likes on this video। तो यहां पे 1K का मतलब है 1000। अब ऊपर न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा है 36K, यानी कि 36000। चलो नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब, नेक्स्ट वाली शॉर्ट फॉर्म है OPPN। अब ये OPPN भी अक्सर न्यूज़पेपर में दिखाई देता है और लोग इसे देखकर सोचते हैं ये क्या है, डिक्शनरी में भी नहीं मिलता है। OPPN की फुल फॉर्म होती है ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं विपक्ष, सामने वाली पार्टी, प्रतिद्वंदी, ऐसे शब्द हैं बहुत सारे। अब जैसे मुझे कहना है विपक्षी पार्टियां यहां आ रही हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे ऑपोजिशन पार्टीज आर कमिंग हियर। अब यहां पे ऑपोजिशन शॉर्ट में लिखा रहेगा अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे OPPN। तो आगे से याद रखना ऑपोजिशन। नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब, नेक्स्ट वाला है यूटी। अब ये यूटी देखकर हमें अपने स्कूल वाले यूटी यानी कि यूनिट टेस्ट याद आ जाते हैं, लेकिन अगर ये न्यूज़पेपर में लिखा है तो इसका मतलब यूनिट टेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। यूटी का मतलब होता है
यूनियन टेरिटरी। अब न्यूज़पेपर वाले यूनियन टेरिटरी को शॉर्ट में लिख देते हैं यूटी। तो ध्यान रखना, अब यूनियन टेरिटरी यानी यूटी की हिंदी होती है केंद्र शासित प्रदेश, यानी जहां पर केंद्र सरकार का राज हो। अब जैसे मुझे कहना है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इंग्लिश में कहेंगे दिल्ली इज अ यूटी। तो ध्यान रखना ये यूटी क्या है, यूनियन टेरिटरी। भाई मजा आ गया ऐसे सीख कर। तो नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाला है वॉन्ट। अब ये डब्ल्यू ओ एन अपॉस्ट्रोफी टी लगा हुआ है, इसे भी आपने देखा ही होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हो। न्यूज़पेपर में ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स आती है, वॉन्ट की फुल फॉर्म होती है विल नॉट, यानी फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी टेंस जहां पर विल आए और नॉट आए शॉर्ट में वॉन्ट लिखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है वह आज यहां नहीं आएगा, इंग्लिश होगी ही वॉन्ट कम हेयर टूडे, ही वॉन्ट कम हेयर टूडे। तो ये वॉन्ट क्या है, विल नॉट है, यानी ही विल नॉट कम हेयर टूडे। चलो नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाला है एफएम। अब इस एफएम को देखकर तो ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि किसी रेडियो स्टेशन की बात हो रही है, लेकिन अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर में एफएम लिखा हुआ है तो याद रखना जरूरी नहीं है कि उसका मतलब कोई रेडियो से जुड़ा हुआ है। एफएम की फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर को न्यूज़पेपर वाले इंग्लिश में अक्सर एफएम लिखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की हिंदी होती है वित्त मंत्री। अब जैसे कहीं पर लिखा है वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया, तो इंग्लिश में होगा बजट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एफएम। तो यहां पर ये एफएम क्या है, यह है फाइनेंस मिनिस्टर। तो भाई ध्यान रखना ये एफएम बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाला है प्रेज। अब स्पेलिंग है पी आर ई जेड, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राइज है, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर में अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, यानी इसकी फुल फॉर्म है प्रेसिडेंट, हिंदी में राष्ट्रपति। अब जैसे मुझे कहना है आज राष्ट्रपति ने भाषण दिया, तो इंग्लिश होगी टुडे द प्रेस डिलीवर्ड स्पीच। तो यहां पे आपने देखा प्रेसिडेंट की जगह प्रेस लिखा हुआ है, इसी तरह से अंग्रेजी न्यूज़पेपर में भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट है एनई, और ये एनई भी आपको अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में दिखाई दे जाएगा लिखा हुआ। एनई की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि हिंदी में हुआ उत्तरी पूर्वी। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है उत्तरी पूर्वी भारत में हुई भारी बर्फबारी, ये तो कोई हेडलाइन है, तो इंग्लिश में होगा अ हेवी स्नोफॉल इन एनई इंडिया। तो यहां पे एनई इंडिया का मतलब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, चलो ध्यान रहेगा ना एनई। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है एच सी, और सबसे ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट फॉर्म्स में से ये एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो किसी ना किसी पेज पर इंग्लिश में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा एच सी। एच सी की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। जैसे एक सेंटेंस है उच्च न्यायालय फैसला सुनाएगा, तो इंग्लिश होगी द एच सी विल टेल द जजमेंट। तो यहां पे जो एच सी है उसका मतलब है हाई कोर्ट, और आप जरूर देखेंगे इसको, कमेंट में भी मुझको बताना अगर आपने देखा है। नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाला है एस सी, और ये एस सी भी अक्सर हमें लिखा हुआ दिख ही जाएगा, और इस एस सी की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। अब जैसे मुझे कहना है उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा, तो इंग्लिश होगी एससी सेट गवर्नमेंट। तो यहां पे ये जो एससी है ध्यान रखना, कंफ्यूज्ड मत होना, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, और न्यूज़पेपर में आपको ये जरूर दिखाई देगा। नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाला है ईसी, और इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले इस शॉर्ट फॉर्म का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईसी की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को हिंदी में बोलते हैं चुनाव आयोग। अब जैसे एक सेंटेंस है चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इंग्लिश होगी द ईसी बैंड हिम। तो यहां पर ईसी की फुल फॉर्म हुई क्या हुई, इलेक्शन कमीशन, यस। तो ध्यान रहेगा ना। नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाली शॉर्ट फॉर्म है डेप्ट, और ये वाली एब्रिविएशन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है न्यूज़पेपर्स में इंग्लिश वाले में। डेप्ट की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं विभाग। एक सेंटेंस ले लेते हैं जैसे कि वन विभाग ने एक शेर पकड़ा, तो इसकी इंग्लिश होगी द फॉरेस्ट डेप्ट कॉट अ लायन। तो यहां भी जो डेप्ट है ये एक्चुअली में है डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में अक्सर ये डेप्थ लिखा जाता है फुल फॉर्म डिपार्टमेंट की जगह, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाला है YR। अब इस YR को देखकर आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो पता है वही ईयर होगा ना इसका, मतलब आप 90% सही है, लेकिन 10% सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब भी शॉर्ट में न्यूज़पेपर में YR लिखा है तो समझ जाना वहां पर उसका मतलब ईयर नहीं ईयर्स है, यानी कि साल, आई मीन कई साल, एक से ज्यादा के लिए शॉर्ट में YR लिखा जाता है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह 5 साल बाद मिला, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज फाउंड आफ्टर 5 YR। तो यहां पे YR का मतलब है ईयर्स, एक से ज्यादा, क्योंकि 5 थे ना, प्लूरल हो गया। तो ये वाली चीज तो कमाल की आपको नहीं पता होगी। नेक्स्ट वाली एब्रिविएशन देखो, और नेक्स्ट वाली है NH। वैसे इस कटिंग में S भी लगा हुआ है, ये प्लूरल के लिए लगा हुआ है। NH की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की हिंदी होती है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी बड़ी बड़ी सड़कें जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती हैं। जैसे मुझे कहना है यह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 24 है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज NH 24। ओहो, तो कहीं पर आपको NH 12, NH 35, NH 13 लिखा हुआ दिख जाए तो वहां पर समझ जाना इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे, और न्यूज़पेपर्स में भी नेशनल हाईवे को NH ही कहा जाता है। नेक्स्ट वाला देखो, अब नेक्स्ट है HYD। अब इस HYD को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर यह है क्या। असल में यह HYD हमारे देश भारत के एक शहर का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है हैदराबाद। अब जहां पर भी हैदराबाद लिखना हो इंग्लिश न्यूज़पेपर में, अक्सर उसे शॉर्ट में लिख देते हैं HYD। जैसे मुझे कहना है पुलिस ने उसे हैदराबाद में पकड़ा, तो इंग्लिश होगी पुलिस कॉट हिम इन हैदराबाद, हैदराबाद। आप समझ गए होंगे कि HYD की फुल फॉर्म होगी हैदराबाद, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वाली देखो, और नेक्स्ट वाली है haven't। अब haven't की फुल फॉर्म होती है have not, और इस तरह की एब्रिविएशंस अक्सर न्यूज़पेपर में दिखाई देती है isn't, haven't, hasn't वगैरह। have not का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। जैसे मुझे कहना है मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो इसकी इंग्लिश होगी I haven't seen the Taj Mahal। तो यहां पे haven't का मतलब है have not। नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट वाला है LS, और ये LS आप न्यूज़पेपर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर देखेंगे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब इस LS की फुल फॉर्म होती है लोकसभा। अब लोकसभा तो आप जानते ही होंगे। अब जैसे इस पर एक सेंटेंस लेते हैं, वह लोकसभा का सदस्य है, तो इंग्लिश होगी He is the member of LS। तो यहां पे LS क्या है, LS है लोकसभा। तो इस तरह की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है न्यूज़पेपर्स में, जिसे लेकर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। तो भाई साहब देख लिया आपने न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होने वाली कमाल कमाल की शॉर्ट फॉर्म्स, अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और आएगी भी क्यों, मैं जो हूं तुम्हारे लिए एक दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा इंग्लिश, तो मतलब अपनी इंग्लिश को तो कुदा दूंगा, परेशानी को नहीं आने दूंगा। अब आपके लिए कमाल का होमवर्क है, लगाओ जी लगाओ, ये रहा आपका होमवर्क। अब इस होमवर्क को ध्यान से देखो, आपको इस होमवर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेकिन जो आज मैंने शॉर्ट फॉर्म सिखाई है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए पहले अपनी नोटबुक में चेपना, फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में ही आपको बता दूंगा, कर जरूर देना प्लीज, निठल्ले नहीं बनना। अब बारी है कल का, ये वाला होमवर्क, इसका आंसर तो आपको कल वाली वीडियो मिलेगा, फिलहाल उसका आंसर देख लो, उसके मैच कर लेना, लगाओ। ये रहा आपका, ये रही आपकी आंसर शीट जो मैंने कल वाली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया था, मैंने लाइक फाइक भी कर दिया था, फिर भी मैच कर लेना। तो भाई साहब ठीक है, मजा आया होगा आपको आई एम श्योर, ऐसी यूनिक यूनिक चीजें सारी चीजें सीखते रहना, मेरी वीडियो देखते रहना, अब जाते जाते इस वीडियो को सबके साथ शेयर करते हुए एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।